हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा हम कमर्शियल बैंक की बात कर चुके हैं, कमर्शियल बैंक फिनिश हो चुका है पूरी तरीके से। बात स्टार्ट कर रहे हैं सेंट्रल बैंक की, और सेंट्रल बैंक के फंक्शन आज ख़त्म हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा 40-45 मिनट का मैटर है, ठीक है जी। बेटा आप लिखना तब शुरू करेंगे जब मैं बोलूँगा, अभी कोई नहीं लिख रहा, ठीक है जी। और बेटा कल हमारा रिटर्न टेस्ट होगा सेंट्रल बैंक का सिर्फ, ठीक है जी, सिर्फ सेंट्रल बैंक का। जितना मुद्दा मैं आज 40 मिनट में कराऊंगा, ठीक है जी। चलो सामने देखना बेटा, सबसे पहले सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन। खड़े होना जरा पीछे पांचों और बाहर चले जाओ जल्दी से। जल्दी जल्दी खड़े हो, खड़े हो जल्दी से भाई, रोकियो। चलो जी बेटा बात कर रहे हैं सेंट्रल बैंक की। मैंने सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन लिखी है, ऐसे ही एक डेफिनेशन मैंने कभी कमर्शियल बैंक की भी लिखी थी बेटा, कल बताया था कि कमर्शियल बैंक क्या है। कमर्शियल बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, लोन देता है बेटा, इन्वेस्टमेंट करता है फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट। बेटा सेंट्रल बैंक के ऊपर कुछ बात लिखी है, सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बॉडी। एपेक्स मतलब इसके जैसी दूसरी नहीं है बेटा, आरबीआई एक ही है। और आपको बता देता हूँ, जब मैं ये सेंट्रल बैंक को डिफाइन कर रहा हूँ ना, कि मैं कोई इंडिया के सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन नहीं लिख रहा, दुनिया में हर सेंट्रल बैंक की यही डेफिनेशन है दुनिया में, ठीक है ना। अगर इंग्लैंड में भी डेफिनेशन पढ़ोगे तो उसने भी ऐसे ही डिफाइन करा, अगर आप अमेरिका में पढ़ोगे तो उसने भी ऐसे ही डिफाइन करा। सेंट्रल बैंक क्या होता है, एपेक्स बॉडी होती है बेटा। एपेक्स मतलब इसके जैसी दूसरी नहीं हो सकती। इंडिया में इसका नाम आरबीआई है, ठीक है ना बेटा। इंग्लैंड में इसका नाम है बैंक ऑफ इंग्लैंड, और बेटा अमेरिका में इसका नाम है फेडरल बैंकिंग सिस्टम, या फेडरल बैंक भी बोलते हैं लोग प्यार से। मैंने ये शायद बात पहले भी की थी बाबू, सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बॉडी दैट कंट्रोल ऑपरेट डायरेक्ट एंड रेगुलेट द एंटायर बैंकिंग एंड द मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ एनी कंट्री। और आपको आज पता लग जाएगा कैसे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करके चलता है ये, और कैसे बेटा ये मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल करके चलता है देश के, आज पता लग जाएगा जब फंक्शन पढ़ने लगेंगे बेटा। लेकिन ये चार वर्ड बीच के याद रखने हैं, CODR, कंट्रोल ऑपरेट डायरेक्ट एंड रेगुलेट, याद रख के चलने चारों ही वर्ड लिख कर आने। ये पता लग जाएगा कैसे करता है बैंकिंग स्ट्रक्चर को कंट्रोल, ये भी आज ही पता लग जाएगा बेटा कैसे कंट्रोल करता है मॉनेटरी स्ट्रक्चर को आरबीआई, ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं पढ़ना सेंट्रल बैंक के फंक्शन। मेरे हिसाब से कमर्शियल बैंक के फंक्शन पेपर में नहीं आने चाहिए, एमसीक्यू में एक आध आ गया तो आ गया। अगर सब्जेक्टिव की बात करूँ तो सेंट्रल बैंक से इंपॉर्टेंट कोई भी चीज़ नहीं। चलो जी तो बेटा मैं फंक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ सेंट्रल बैंक के। सबसे पहला फंक्शन है बेटा करेंसी इशूइंग अथॉरिटी, करेंसी इशूइंग अथॉरिटी। लो प्यारे बच्चों सब सामने देखेंगे, कल मैंने एक बात करी थी बेटा, करेंसी प्रिंट करने की मशीन किसके पास होती है, आरबीआई। बेटा आरबीआई इज द सोल करेंसी इशूइंग अथॉरिटी, सोल मतलब अकेला, सोल करेंसी इशूइंग अथॉरिटी है। सारी करेंसी बेटा इशू करता है, प्रिंट करता है, एक्सेप्ट बेटा सब प्रिंट करता है, लेकिन कुछ को छोड़ दो। क्या छोड़ दो बेटा, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट प्लस ऑल द क्वाइंस। बेटा ये बड़े काम की बात है, और यहां से एमसीक्यू की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा। आरबीआई सारी करेंसी प्रिंट करता है, 2 रुपए का नोट, 5 रुपए का नोट, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 2000, लेकिन बेटा ना तो 1 रुपए का नोट प्रिंट करता है कभी भी, और ना ही बेटा प्रिंट करता है क्वाइंस। फिर ये किसकी जिम्मेदारी है बेटा, इनकी प्रिंटिंग की जिम्मेदारी होती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की।
इसको प्रिंट कराती है बेटा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और आपको बता देता हूं, अगर किसी के पास पुराना नोट पड़ा हो तो देख लेना बेटा, हर नोट पे ना साइन होते हैं गवर्नर ऑफ आरबीआई के, लेकिन एक रुपए के नोट पे गवर्नर के साइन नहीं होते, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में फाइनेंस मिनिस्टर साइन करता है। देख लेना, काम की बात समझ में आई बेटा, ठीक है ना। आरबीआई इज द सोल करेंसी इशूइंग अथॉरिटी, सारी करेंसी इशू करता है लेकिन एक रुपए का नोट और क्वाइन नहीं, ये जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की है, पहली बात। इसी फंक्शन में दूसरी काम की बात बेटा, दूसरी बात ये है, देखो जब भी आरबीआई करेंसी इशू करता है उसके बेटा रिस्पेक्ट में कहीं ना कहीं कोई चीज गिरवी जरूर रखता है अपने पास। आरबीआई ऐसे नहीं करता कि गवर्नमेंट को कह दे गवर्नमेंट बताओ कितने नोट प्रिंट करने हैं, ये लो धड़ाधड़ प्रिंटिंग करता हूं। बाबू पूरी इंडियन इकोनॉमी में 17 लाख करोड़ रुपए हैं, 17 लाख करोड़ के नोट प्रिंट किए हुए हैं आरबीआई ने। उस 17 लाख करोड़ नोट प्रिंट करने के लिए 17 लाख करोड़ रुपए के गोल्ड रिजर्व गिरवी पड़े हैं आरबीआई के पास। आप अनलिमिटेड करेंसी नहीं इशू कर सकते, प्रिंट कर सकते, जितनी करेंसी प्रिंट करोगे उसके बदले में आप गवर्नमेंट से डिमांड करते हो कि इतना गोल्ड रिजर्व गिरवी रखो हमारे पास। और बेटा जनरली जो गोल्ड रिजर्व गिरवी है वो ऑर्नामेंट्स की फॉर्म में नहीं है, वो कोई जेवर नहीं है बेटा, वो बेटा इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड बुलियंस है। गोल्ड बुलियंस क्या होते हैं बेटा, आप बोल सकते हो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड, मतलब इतना भी प्योर नहीं। आपको पता है वैसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड क्या होती है, अगर टच कर दिया तो गोल्ड की शेप ही बदल जाएगी, इतना प्योर होता है बेटा गोल्ड। इसलिए थोड़ा बहुत तांबा मिक्स किया जाता है ताकि वो ऑर्नामेंट्स बन सके। खैर आरबीआई के पास लेकिन फिर भी प्योरेस्ट फॉर्म होती है, बहुत कम मिक्स होता है बेटा, समझ आई बात। तो बेटा आरबीआई ऐसे ही अनलिमिटेड करेंसी नहीं इशू कर सकता, इसके बदले में बेटा वो मॉर्गेज करता है, कहीं ना कहीं मॉर्गेज किए जाते हैं गोल्ड रिजर्व। और बेटा ये जो गोल्ड रिजर्व होते हैं जनरली इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड बुलियंस होते हैं बेटा, बुलियंस मतलब प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड बोल सकते हो, गोल्ड क्वाइंस या आप ईट समझ सकते हो सिंपल भाषा में, आप बोलते हो ब्रिक, ठीक है जी। बढ़े आगे, थर्ड वन बेटा। अच्छा मैंने एक बात सोचता हूं कि चलो सोल करेंसी इशूइंग अथॉरिटी बना दी, पेपर पूछता है आपसे एडवांटेज क्या है सोल करेंसी इशूइंग अथॉरिटी बनाने का, एक ही अथॉरिटी क्यों बनाई आपने, एक अथॉरिटी बनाने का कुछ फायदा है क्या? उन्होंने कहा बहुत फायदा है भाई, आपको चार एडवांटेज याद रखने हैं बेटा। सोल करेंसी इशूइंग अथॉरिटी होने के चार फायदे हैं। सबसे पहले बेटा यूनिफॉर्मिटी, मान लो बेटा आरबीआई को नहीं बनाते और मान लो सारे बैंक को कह देते कि कोई भी करेंसी प्रिंट कर सकता है, इंडिया में 20-25 बैंक है, सबको एक एक मशीन दे दी कर लो नोट प्रिंट। अब होगा पता है क्या बेटा, सबने अलग अलग क्वालिटी का पेपर मटेरियल खरीदा होगा, अलग अलग इंक का यूज किया होगा, अलग अलग डिनोमिनेशन में करेंसी यूज की होगी। मान लो बेटा भी 2000 का नोट आरबीआई ने प्रिंट करा है वो पिंक कलर में है, कल को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसे 10 रुपए का प्रिंट कर दे पिंक कलर को, कल को पीएनबी उसी को 20 रुपए में प्रिंट कर दे, तो समझ रहे हो कितना क्योस क्रिएट हो जाएगा ऑर्गेनाइज पूरे इंडिया के अंदर, पूरी इकोनॉमी के अंदर कितना क्योस हो सकता है। तो बेटा सोल करेंसी इशूइंग अथॉरिटी होने का फायदा क्या है बेटा, यूनिफॉर्मिटी अचीव हो जाती है, एक जैसा पेपर मटेरियल, एक जैसी इंक, एक जैसी प्रिंटिंग, हर चीज बिल्कुल एक जैसी, समझ आए। पहला फायदा सोल करेंसी इशूइंग अथॉरिटी होने का पहला फायदा। दूसरा फायदा बेटा, गवर्नमेंट कैन इजली कंट्रोल। आप खुद समझो बेटा, अगर 25 बैंक बनाए होते करेंसी इशू करने के लिए तो बेटा 25 बैंकों को कंट्रोल करना पड़ता गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट के लिए भी आसान है, एक ही बैंक है जो करेंसी इशू कर रहा है, गवर्नमेंट को सिर्फ उसको कंट्रोल करना है और किसी को पूछना भी। और बता देता हूँ मेनली तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को मीटिंग करनी होती है आरबीआई के गवर्नर को बुला लेते हैं, मीटिंग कर लेते हैं, और किसी को पूछना भी नहीं भाई, जरूरत ही नहीं है, अकेला गवर्नर आ गया मतलब पूरा आरबीआई आ गया, अपने आप देख लेगा क्या मैटर है। पर 25 बैंक है तो 25 गवर्नर बुलाओ जी, करो मीटिंग। और आपको पता है 25 लोग एक प्लेटफॉर्म पे बैठ जाएंगे तो कितनी को बात होगी बेटा, समझ में आई बेटा। दोनों एडवांटेज, सोल करेंसी इशूइंग अथॉरिटी होने का पहला फायदा यूनिफॉर्मिटी, दूसरा है कि गवर्नमेंट उस एक अथॉरिटी को आसानी से कंट्रोल कर सकती है। तीसरा फायदा, कैन कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, कैन कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। बेटा मान लो इंडियन इकोनॉमी में बेटा डिफ्लेशन चल रहा है,
ठीक है ना, पैसों की कमी है भाई, डिफ्लेशन चल रहा है, जैसे कोविड के टाइम पर लिक्विडिटी क्राइसिस हुआ। मैं बोलता हूं अगर सोल करेंसी इशूइंग अथॉरिटी ना हो हमारे पास तो क्या होगा, 20 बैंकों ने ये सिचुएशन को ऑब्जर्व किया, अच्छा डिफ्लेशन चल रहा है, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, चलो हमें पैसा पहुंचाना है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे बेटा, 20 बैंक कोशिश करेंगे कि मनी सप्लाई बढ़े इकोनॉमी में, 20 बैंक पैसा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बेटा एक को ये नहीं पता कि दूसरा कितना पैसा पहुंचा रहा है, दूसरे को ये नहीं पता कि तीसरा कितना पहुंचा रहा है, तीसरे को ये नहीं पता चौथा कितना पहुंचा रहा है, सारे लग पड़े हैं पैसा पहुंचाने में इकोनॉमी में। पता लगे डिफ्लेशन खत्म और इन्फ्लेशन स्टार्ट कर दो, अनलिमिटेड पैसा पहुंचा दो, लोगों के हाथ में इतना पैसा आ जाएगा। तो आपको पता है बेटा इसका क्या एक ही रिजल्ट है बेटा, इन्फ्लेशन आता तभी है बेटा जब इकोनॉमी में बहुत पैसा होता है, ठीक है ना। एक दिन एक शायद राधिका ने क्वेश्चन पूछा था ऑनलाइन बैच में, जब आरबीआई के पास करेंसी प्रिंटिंग की मशीन है तो क्यों नहीं सबकी गरीबी मिटा दी जाए, शायद ऐसी ही कुछ बात हुई थी ना। बाबू देखो कभी भी सरकार किसी भी देश की सरकार गरीबी मिटाने की कोशिश नहीं कर सकती, और एक बार बांग्लादेश गवर्नमेंट ने कोशिश की थी बेटा, इन्फ्लेशन आ गया था बहुत तगड़ा, 5-7 साल तक संभला नहीं था। आप सोचो आज गवर्नमेंट करेंसी प्रिंट करने के लिए कह दिया आरबीआई सारी करेंसी प्रिंट कर दे, तो कर दे 1,00,000 करोड़ रुपए की करेंसी और प्रिंट और बांट दो गरीबों में, सबको 10-10, 15-15 लाख रुपए दे दो, करो एक बार गरीबी ऐसे खत्म करने की भी कोशिश करो, क्या होगा ऐसा करने से। सर आपने सबके हाथ में 15-15 लाख रुपए दे दिए, इंडिया में कोई गरीब नहीं है, सबके पास कम से कम 15 लाख रुपए मान लो, ऐसा आपने कुछ कर दिया बेटा, जो दुकानदार है ना जो सामान बेच रहे हैं एमआरपी भूल जाएंगे, उन्हें कहा नमक की थैली, उन्हें कहा ये तो 500 रुपए की है, कहता है एमआरपी तो 50 है, खरीदनी है तो उन्हें खरीद ले 500 की है। और आपको पता है जब लोगों के हाथ में पैसा होता है क्या होता है, सिर्फ एक ही काम होता है लेविशली स्पेंट होता है वो पैसा। आप 500 रुपए की भी नमक की थैली खरीदोगे बेटा, इंसान चीनी के बिना जिंदा रह सकता है बेटा, आयोडीन के बिना नहीं, नमक सब कुछ ही है, 2 दिन में ही पता लग जाएगा बेटा अगर ना नमक गया शरीर के अंदर। तो बेटा खरीदेगा ना, 500 की खरीद ली उसने, 50 की चीज 500 में बिक गई और क्या इन्फ्लेशन लोगे। तो गरीबी नहीं कभी खत्म की जा सकती, कोई देश नहीं कर सकता खत्म, समझ आई बात। चलो जी बेटा तो यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, 20 बैंक लगेंगे ना मनी सप्लाई कंट्रोल करने, मनी सप्लाई कंट्रोल नहीं होगी, डिफ्लेशन का इन्फ्लेशन बना दोगे, इन्फ्लेशन का डिफ्लेशन बना दोगे, कभी भी न्यूट्रल स्टेज पे आप आ नहीं पाओगे, ठीक है ना। आरबीआई को पता है ना कितनी शॉर्टेज है, बता देता हूँ, लास्ट टाइम कोविड हुआ आरबीआई को पता था कि लिक्विडिटी क्रंच है मार्केट में, कोई भी अपने घर से पैसा नहीं निकाल रहा, सबको ये लग रहा है कि इलाज के लिए चाहिए, इलाज के लिए चाहिए, बीमारी होगी तो पैसा चाहिए, कोई खर्च ही नहीं रहा, सब जोड़ रहे हैं पैसा। आरबीआई को लगा ऐसे तो बहुत खराब हो जाएगा, इकोनॉमी टूट जाएगी, क्योंकि हमारी इकोनॉमी सिर्फ इसी प्रिंसिपल पे काम करती है, जो एक इंसान खर्चा करता है वो दूसरे के लिए इनकम है, दूसरा जो खर्चा करता है वो तीसरे के लिए इनकम है, तीसरा जो खर्चा करता है चौथे के लिए इनकम है, और आप सब खर्चे रोक दो अपने, इकोनॉमी खत्म हो जाएगी बेटा, ज़्यादा दिन नहीं 15 दिन में, बस 15 दिन के लिए कोई खर्चा ना करे इकोनॉमी से, इकोनॉमी खत्म। आरबीआई को लगा ये सिचुएशन ना राइज हो जाए, आरबीआई ने 10 लाख करोड़ रुपये फूंक दिए इकोनॉमी में, बैंकों को डायरेक्शन दे दी फटाफट से लोन करो, फटाफट जो लोन मांगने हैं किसी को मना नहीं करना, आपके पास डिपॉजिट नहीं आ रहे ना मैं पैसे दे रहा हूँ, 10 लाख करोड़ दे दिए बैंकों को, लोन करो जो मांगने आए, फॉर्मेलिटी जीरो कर दो, फटाफट से लोन बांटने शुरू कर दिए, लोगों के पास पैसा आ गया, बस वही एक ने खर्चा शुरू करा दूसरे को मिली इनकम, दूसरे ने खर्चा करा तीसरे को मिली इनकम, इकोनॉमी में बेटा मनी फ्लो दोबारा से सही हो गया, और आरबीआई ने चुपचाप करके 10 लाख करोड़ बैंक से बाहर भी निकाल दिए, जैसे ही सब कुछ सही हुआ। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर यू है, मतलब क्या बोल रहा है, हाँ तो क्या हो गया नहीं करे होंगे, 17 लाख करोड़ जो घर दबाकर आप बैठ गए, जो खर्च ही नहीं कर रहे हो वो भी तो आ गए ना इकोनॉमी में वापस, 10 लाख करोड़ एक्स्ट्रा डाल दिए, 27 लाख करोड़ हो गए, पहले 10 लाख करोड़ घूमते रहे, फिर लोगों को लगा सब कुछ तो नॉर्मल हो गया कोविड के बाद, लोगों ने अपना भी खर्चना शुरू कर दिया, चुपचाप आरबीआई 1-1 लाख करोड़ करके बाहर निकालता रहा, निकाल गया पैसे बाहर। ये चीजें इतनी स्मूथ होती हैं ये पता नहीं लगती ना, ये लोन धीरे धीरे आएगा, लोन कुछ लोन शॉर्ट टर्म के लिए हुए थे 1 साल के लिए वो तो आ गए होंगे वापस, कुछ लोन 1-5 साल के हो गए होंगे। सर आप क्रेडिट क्रिएशन कल पढ़ रहे थे, अगर 17 लाख करोड़ आरबीआई ने डाले हैं तो आपको क्या लगता है 17 लाख करोड़ की मनी सप्लाई है, क्रेडिट क्रिएशन नहीं होता, मनी क्रिएट नहीं होती। मैंने तुझे लोन दिया, तूने आगे खर्च कर दिया, देवांश को पैसे दिए, देवांश का बैंक अकाउंट मेरे ही बैंक में, मेरे को नए डिपॉजिट नहीं मिल गए सेम पैसे से,
17 लाख करोड़ के 85 लाख करोड़ होंगे, इतनी टेंशन मत लो। आप 10 लाख करोड़ की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूं इकोनॉमी 85 लाख करोड़ है। मनी क्रिएशन भी तो कोई चीज है। हाँ जी, बात क्लियर हुई, तीसरी एडवांटेज ओके। चलो जी, फोर्थ एडवांटेज की बात करते हैं बेटा, रुपी वैल्यू कंट्रोल। बेटा यहां लिंक करूंगा एक पुरानी बात के साथ, आपको याद आना चाहिए मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। याद है तीन तरीके के एक्सचेंज रेट सिस्टम होते थे? याद नहीं, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, एंड थर्ड वन इज मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या होता था, आरबीआई एक प्राइस बैंड फिक्स कर देता था कि मुझे चाहिए एक रुपी 70 to 75 के बीच में। अगर 70 से कम होता था तो क्या करता था, ये डॉलर बाय कर लेता था ताकि प्राइस दोबारा इसी प्राइस बैंड में आ जाए, और अगर डॉलर की वैल्यू 75 से ज़्यादा होती थी तो अनलिमिटेड डॉलर सेल करता था ताकि रुपी वैल्यू फिर इसी प्राइस के बीच में आ जाए। मैं बोलता हूँ बेटा आप मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो कर रहे हो, लेकिन इंडिया में कोई सोल करेंसी इशूइंग अथॉरिटी नहीं हो तो क्या होगा, समझने की कोशिश करना क्या होगा। 20 लोग करेंसी इशू करते हैं, ठीक है जी, और मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम इंडिया फॉलो कर रहा है। एक डॉलर का दाम आपने सोचा 70 से 75 के बीच में रहना चाहिए, ठीक है जी, और मान लो वो 76 हो गया, आप कैसे प्राइस बैंड में वापस लाओगे, डॉलर बेचोगे ताकि बेटा क्या हो, सप्लाई क्रिएट हो और आ जाए। लेकिन बेटा आरबीआई को पता होता है मुझे कितना बेचना है क्योंकि वो एक अथॉरिटी है, अगर 20 हो तो सबने का डॉलर बेच देते हैं फटाफट से, इसको लेकर आते हैं 70 से 75 के बीच में, 20 बैंक डॉलर बेच रहे हैं अनलिमिटेड, पता लगे 70 से 75 के बीच में क्या है, 67 पहुंचा दिया आपने, इतनी सप्लाई कर दी। सच समझ में आया बेटा, एक अथॉरिटी होगी हर चीज मैनेज करना आसान होगा। अगर किसी ने मैनेज फ्लोटिंग वाला चैप्टर नहीं पढ़ा भूल जाओ बेटा, फोर्थ पॉइंट मैंने कोई पढ़ा है, बाकी तीन दिमाग में क्लियर रखो, जिन्होंने पढ़ा उसको चारों क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना। सोल करेंसी इशूइंग अथॉरिटी होने के चार फायदे, यूनिफॉर्मिटी है बेटा, रुपी वैल्यू कंट्रोल करना आसान है, मनी कंट्रोल करना यानी कि मनी सप्लाई करना आसान है बेटा, और गवर्नमेंट एक अथॉरिटी कंट्रोल आसानी से कर सकती है, सिंपल बात। बढ़े आगे, चलो पहले इसको नोट डाउन करो जल्दी से। चलो बेटा सेकेंड फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा सेंट्रल बैंक का, मेरे को इसके लिए बेटा स्पेस की रिक्वायरमेंट है तो मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ। बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेकेंड फंक्शन की। लो जी, गवर्नमेंट्स बैंक और बैंकर टू द गवर्नमेंट, कुछ भी लिख दो पेपर में एक ही बात है, बैंकर टू द गवर्नमेंट, तो प्यारे बच्चों सामने देखना बेटा, सेकंड मेन फंक्शन है सेंट्रल बैंक का कि सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट्स बैंक है बेटा, या बोल लो प्यार से बैंकर टू द गवर्नमेंट बाबू। और आपको ये तीन बातें जरूर लिखकर आनी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकर भी है गवर्नमेंट के लिए, एजेंट भी है गवर्नमेंट के लिए, और फाइनेंशियल एडवाइजर भी है गवर्नमेंट के लिए। चलो जी पहले बात करते हैं बैंकर कैसे है, फिर एजेंट की बात, फिर फाइनेंशियल एडवाइजर की बात। बेटा आरबीआई किसी भी गवर्नमेंट के लिए एक बैंकर है, किसी भी गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है। बता देता हूं बेटा, जब तक जेएनके में जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 नहीं हटा था तब तक जेएनके का अपना आरबीआई था, अपना सेंट्रल बैंक था, लेकिन आज की तारीख में सेंट्रल गवर्नमेंट और 29 स्टेट गवर्नमेंट यानी कि 30 गवर्नमेंट का एक ही बैंक है बेटा, वो है आरबीआई। और ऐसा बैंकर क्या करता है आरबीआई, बेटा हमें पब्लिक को कभी भी पैसे जमा कराने हो हम कमर्शियल बैंक के पास जाते हैं, अकाउंट खुलवाते हैं, पैसे जमा कराते हैं। गवर्नमेंट को बेटा पैसे जमा कराने हैं वो अकाउंट खुलवाती है आरबीआई के पास, पैसे जमा कराती है। हमें पब्लिक को लोन चाहिए बेटा, हम कमर्शियल बैंक के पास जाते हैं लोन लेकर आते हैं। बेटा गवर्नमेंट को लोन चाहिए वो बेटा आरबीआई से लोन लेती है।
एज अ बैंकर यही काम करता है, उनके पैसे जमा करता है गवर्नमेंट के और गवर्नमेंट को लोन देता है, सिंपल बात खत्म। एज अ एजेंट क्या करता है बेटा, एज अ एजेंट आरबीआई पब्लिक डेट मैनेज करता है। वैसे बता देता हूं, जिसने मुझसे बीएसटी में पढ़ा उसको बात क्लियर कर देता हूं, जिसने नहीं पढ़ा बीएसटी में तो इको में क्लियर होगी अगले 15 मिनट के बाद। बेटा एज अ एजेंट पब्लिक डेट मैनेज करता है। पब्लिक डेट मतलब कभी गवर्नमेंट को लोन की जरूरत हो ना तो उसके नौकर की तरह उसकी सिक्योरिटीज इशू करता है, टी बिल्स, याद है, इशूड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को लोन की जरूरत है, आरबीआई ने क्या करा, आरबीआई ने सिक्योरिटी इशू करी, पैसा लिया लोगों से और सेंट्रल गवर्नमेंट को थमा दिया। तो बेटा आरबीआई नौकर की तरह भी काम करता है, पब्लिक डेट मैनेज करता है। पब्लिक से लोन लिया ना, इसे ही पब्लिक डेट बोलते हैं। एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर क्या करता है आरबीआई, एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर गवर्नमेंट को बताता है कि इंडिया की मॉनेटरी हालत कैसी है, बैंकिंग हालत कैसी है। और आपको बता देता हूं बेटा, कुछ टाइम पहले इंडियन गवर्नमेंट ने मर्जर अनाउंस करा था बहुत सारे बैंक का, पता है आपको, छोटे छोटे बैंक में ना बहुत सारे एनपी हो रहे थे, बहुत सारे फ्रॉड खुल रहे थे, और अगर छोटे बैंकों में एक भी फ्रॉड खुल जाए ना ठीक ठाक लेवल का, खत्म हो जाता है बैंक, ठीक है ना। तो बेटा आरबीआई गवर्नमेंट को सजेस्ट करता रहता है कि इंडिया की मॉनेटरी हालत कैसी है, कोविड में सजेस्ट करा मॉनेटरी हालत कैसी है, तो गवर्नमेंट ने राहत पैकेज दे दिया 10 लाख करोड़ का, ठीक है ना। मॉनेटरी हालत कैसी है, बैंकिंग हालत कैसी है, उसने देखा कि छोटे छोटे बैंक में एनपीएस हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने ना अनाउंस कर दिया मर्जर। आपको पता है बेटा तीन तीन चार चार बैंक क्लब हो गए, आपको शायद आइडिया हो, जो बेटा अपने घर में अपने फादर के काम संभालता हो बैंक के, एक बैंक हुआ करता था यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, एक बैंक हुआ करता था ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ये दोनों बैंक मर्ज हुए पीएनबी में, देख लेना बेटा सबके बाहर बोर्ड लग गया पीएनबी। जितने स्टेट बैंक थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी था, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर भी था, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला भी था, जितने और स्टेट बैंक थे सब मर्ज हो गए, एक बैंक बन गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सबके बाहर बोर्ड चेंज हो चुके हैं, ठीक है ना। ऐसे ही देना बैंक, अलाहाबाद बैंक, ये सब बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो गए, बैंक घटाकर इन्होंने 25 की जगह 10 कर दिए। सर ये कौन सजेस्ट करता है, ये आरबीआई सजेस्ट करता है गवर्नमेंट को, आरबीआई इज द फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, हमेशा बताता रहता है कि बैंकिंग स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, मॉनेटरी स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए देश का, मॉनेटरी हालत क्या चल रही है, बैंकिंग हालत क्या चल रही है देश की, तीन वर्ड लिख के आने हैं तीनों, ये बैंकर भी है गवर्नमेंट के लिए, ये एजेंट भी है गवर्नमेंट के लिए, और ये फाइनेंशियल एडवाइजर भी है गवर्नमेंट के लिए। अभी लिखना नहीं है बेटा, लिखेंगे अभी थोड़ी देर के बाद, अभी मैं ये पोर्शन रब कर दूं। लो बेटा सेंट्रल बैंक का तीसरा मेन फंक्शन बेटा, बैंकर्स बैंक, बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंक है बेटा, और इसमें तीन फंक्शन लिखवाने हैं मुझे, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, क्लियरिंग हाउस, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लो जी इसमें बहुत सारी चर्चा करनी है मुझे, सबसे पहले बात करेंगे बैंकर्स बैंक की। बेटा आरबीआई जैसे गवर्नमेंट का बैंक है वैसे ही बैंकों का बैंक है। पूरे इंडिया में जितने भी कॉमर्शियल बैंक है, जिसकी भी एक कोई ब्रांच है, उसका एक बैंक अकाउंट जरूर होगा विद आरबीआई। सारे बैंकों का एक बैंक अकाउंट जरूर होता है विद आरबीआई बेटा, और इसी बेसिस पे आरबीआई तीन फंक्शन परफॉर्म करता है बेटा, इसी के अंडर तीन फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है ना। कौन कौन से तीन फंक्शन है, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, क्लियरिंग हाउस एंड लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट। एक एक करके बात करेंगे, पहले इसकी फिर इसकी और बाद में बेटा सेकंड वन की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। मैं आपको बता चुका हूं, ऑल्दो कल भी मैंने इसका डिस्कशन करा है, CRR, एक बार बिजनेस स्टडीज में कॉल मनी में मैंने इसका डिस्कशन कर दिया, कल LRR समझाते टाइम मैंने CRR बता दिया, आज फिर बता रहा हूं लास्ट टाइम। हर बैंक को एक मिनिमम बैलेंस, अपने डिपॉजिट का एक मिनिमम बैलेंस कैप्ट करना पड़ता है विद RBI, जिसको आप CRR बोलते हो बेटा। मैंने वो एग्जांपल दिया था, मान लो पिछले 15 दिन में मेरे बैंक में 10 लाख रुपए के डिपॉजिट आए, और बेटा RBI ने CRR का रेट फिक्स किया हुआ है 7%,
तो 10 लाख का 7% आपको जमा करना पड़ेगा विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। याद है आपको कल बात बोली थी 70,000 रुपए यानी कि मुझे आरबीआई के पास रखने पड़ेंगे। और जैसे मैं कैरी कर रहा हूं बेटा, वैसे ही पूरे इंडिया का हर बैंक आरबीआई के पास सीआरआर मेंटेन करता है। और आरबीआई की क्या जिम्मेदारी है, आरबीआई इज द कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, उस कैश रिजर्व को बड़े सेफ्टी से संभाल के रखता है। समझ आई बात? यहीं से लिंक कर देता हूं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। और कल मैंने एक बात बोली थी कि माधव एक स्टोरी जरूर बताऊंगा आरबीआई के ऊपर, तो आज वो नंबर आ चुका है, यहां पर करते हैं बात। बेटा लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट मतलब आखिरी चारा। जब कमर्शियल बैंक के पास कोई चारा ना बचे तो बेटा आखिरी चारा कौन है? आखिरी चारा है सेंट्रल बैंक। चलो जी पहले समझाता हूं और फिर एक स्टोरी सुनाता हूं आपको। बेटा पिछले 15 दिन में मेरे बैंक के पास डिपॉजिट है 10 लाख। मुझे दो चीजें रखनी है बेटा, एक सीआरआर और एक एसएलआर। सीआरआर कल बताया था कैश रिजर्व रेशो, हर बैंक कैप्ट करता है विद आरबीआई, 70,000 आपने आरबीआई को भेज दिए। और एसएलआर स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशो, ये अपने पास रखने होते हैं या अपनी बैंक ब्रांच के बाहर एटीएम में। मान लो वो 13% है बेटा, तो 10 लाख का 13%, 1,30,000 आपने अपने पास रख लिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा 8 लाख रुपये का लोन दे सकते हो, ठीक है जी। मैं बोलता हूँ बेटा एक इंसान ने सेविंग अकाउंट खुलवाकर अगर आपको 10 लाख दे दिए, आपने 70,000 आरबीआई को दे दिए, 1,30,000 अपने पास रख लिए और आज ही 8 लाख का लोन कर दिया, पैसे खा ली, आपके पास 1,30,000 पड़े हैं बस। 70,000 आरबीआई के पास जा चुके हैं, 8 लाख का लोन जा चुका है, ठीक है जी। अगले दिन वो इंसान आया, कहता है कल सेविंग अकाउंट खुलवाया था, 10 लाख जमा करे थे, निकालने आज कोई एमरजेंसी पड़ गई। सर आप मना कर दोगे? नहीं आज नहीं निकाल सकते, कल ही तो दिए थे, अभी 2 दिन तो रुक जाओ। ऐसे नहीं, सेविंग बैंक अकाउंट है, जब मर्जी निकाले उसकी मर्जी, सेविंग बैंक और करंट अकाउंट से जब मर्जी पैसा निकाल सकते हो आप। उसने कहा जी अभी चाहिए मेरे को पैसे, तो बेटा आपके पास तो 1,30,000 है, 8,70,000 कहाँ से आएंगे? बेटा आरबीआई बैठा नहीं क्या, क्यों टेंशन ले रहे हो, कोई पैसा नहीं देगा आपको। तो आरबीआई इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, आखिरी चारा है आपके पास। और इसके ऊपर एक कहानी सुनाता हूं बेटा, बड़े आराम से सुनना। एक टाइम की बात है बेटा, आज से 20 साल पहले की बात बता रहा हूं, गुजरात में एक बैंक ब्रांच के लिए ना अफवाह फैल गई, और फैल जाती है इंडिया में, र्यूमर्स फैलना कोई बड़ी बात नहीं है, हम नुमेस्कर में रहते हैं वैसे भी, तो बेटा र्यूमर्स फैलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। गुजरात में इन्होंने एक बैंक के लिए अफवाह फैला दी कि ये बैंक दिवालिया होने वाला है, कंगाल होने वाला, खाली हो चुका है, ऐसी अफवाह फैल गई। और बेटा जब अफवाह फैल जाती है ऐसी, तो क्या हुआ, बैंक ब्रांच के बाहर बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी पैसे निकलवाने वालों की, बहुत लंबी लंबी लाइनें, एफडी है, आरडी है, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, सबको आज ही तोड़वाने और आज ही पैसे चाहिए, क्योंकि अफवाह फैल गई है कि बैंक इंसॉल्वेंट होने वाला है, दिवालिया कंगाल हो चुका है, इसमें थोड़े से ही पैसे हैं बस, कोई पैसे जमा नहीं करा रहा, सब निकाल रहे हैं। और आपको पता है बेटा अगर सब निकालने लग जाएंगे तो इतना पैसा बैंक ब्रांच में होता नहीं है। बैंक ब्रांच में क्या होता है, पिछले 1-2 दिन का डिपॉजिट, क्योंकि हर 2-3 दिन के बाद बेटा एक वैन आती है जो पैसे लेकर चली जाती है, ऐसा ही होता है बेटा। चलो ठीक है, नज़र मत रखना उस वैन पे, चलो। हाँ जी, तो हुआ क्या बेटा, अब जो भी बेटा ब्रांच हेड था उसने कॉल लगाई आरबीआई में, बताया कि ऐसे ऐसे र्यूमर फैल गया, कुछ मदद करो। और आरबीआई इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, पता है ना आपको, कोई मदद नहीं करेगा तो आरबीआई बैठा है। आरबीआई ने ना ब्रांच मैनेजर को कहा कि आज कोई लंच नहीं होना चाहिए और आज 5 बजे ब्रांच बंद नहीं होनी चाहिए, आज हम दिखाते हैं कि आरबीआई क्या चीज है, जितना पैसा जिसका है सबका देना है आपने, आप टेंशन मत लो, कैश की कमी है, आसपास की 10-20 ब्रांचेस को कॉल करी कि जितना कैश है सब उस बैंक में पहुंचा दो। एक प्राइवेट प्लेन उड़ता है सिर्फ कैश लेकर, और उसी जगह पर लैंड कराया जाता है बेटा, और सबके पैसे दिए जा रहे हैं, कोई मना ही नहीं बेटा, ठीक है ना, कोई लंच टाइम नहीं, और धड़ाधड़ पैसे बांटे जा रहे हैं, बांटे जा रहे हैं। रात के 8 बजे तक एक एक अकाउंट खाली हो गया, एक एक अकाउंट, दुनिया को समझ में आई भाई बात। अगर इस बैंक ने भागना होता तो आज 1 बजे ही लंच हो जाता 2 बजे की जगह, अगर इसने भागना होता तो 4 की जगह 3 बजे ही बैंक ब्रांच बंद हो जाती। एक एक अकाउंट का एक एक रुपया दे दिया गया, पिछले दिन जिसने पैसे निकाले थे अगले दिन वो सारे दोबारा अकाउंट खुलवा के पैसे जमा करा रहे थे। दिस इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर यू, ताकत नहीं सोच सकते आप। सर 50,000 करोड़ के फ्रॉड हुए हैं एक एक साल में खुले हैं, 14,000 करोड़ नीरव मोदी, विजय माल्या 10,000-12,000 करोड़,
भाग गया कोई बैंक, एक ब्रांच भागी। आपके नॉलेज के लिए बता देता हूं बेटा, सिंस इंडिपेंडेंस आज तक इंडिया से एक भी ब्रांच भाग नहीं पाई और भाग नहीं सकती आज तक। और बेटा कभी आप पढ़ा रहे होंगे, जब आप 70-80 साल के हो जाएंगे तो बेटा ऐसे ही पढ़ा रहे होंगे कि आज तक कोई ब्रांच भागी नहीं है और भाग सकती नहीं इंडिया से। ये आरबीआई है, ऐसा किसी भी देश का सेंट्रल बैंक नहीं है, किसी भी देश का जैसा इंडिया का। समझ आई बात? क्या होता है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, कोई साथ नहीं देगा तो आरबीआई आपके साथ खड़ा है, ठीक है ना। मैं दिल पे मत लेना कहीं और कहीं सोच रहे हो, कोई और साथ नहीं देगा तो कोई खड़ा है साथ तुम्हारे, ठीक है ना। हाँ जी बात ओके बेटा, ये सिर्फ आरबीआई के लिए बात, बढ़े आगे, क्लियर हुई है बात। चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा, बात करते हैं क्लियरिंग हाउस की, मतलब अब क्लैरिटी है। तो 870,000 की तो टेंशन ले रहा है, मैं बोल रहा हूँ 80-800 करोड़ भी हो तो कोई टेंशन नहीं यार। 14,000 करोड़ के फ्रॉड में बैंकों ने डूबने दिया तो क्या 870,000 की बात कर रहा है। पीएनबी का जब ये फ्रॉड खुला था नीरव मोदी वाला 14,000 करोड़ का, तो ऐसा लगा था पीएनबी बैंक खत्म हो जाएगा भाई। लोगों को जो पढ़ा लिखा उसको पता है, मुझे पता था कहीं नहीं जा सकती, कोई ब्रांच नहीं जा सकती, कुछ हो जाए। इवन मेरे घर वाले भी शामिल थे, पीएनबी मेरा भी अकाउंट है, निकाल ले वैसा निकाल ले, मैं कहा बैठे रहो, कुछ नहीं होने का किसी बैंक को। मैंने इतना रीड किया है, मैंने इतना समझा है बैंकिंग स्ट्रक्चर कि हमें पता है कभी कोई ब्रांच जा नहीं सकती, आरबीआई जाने नहीं देगा, मरने नहीं देगा। पता है ना आपको क्या हालत होगी थी यस बैंक की? यस बैंक ने लोन दिया हुआ था अनिल अंबानी को और रिलायंस कम्युनिकेशन को, और रिलायंस कम्युनिकेशन पूरा डूब गया, कोई पैसा नहीं दे रहा वहां का। यस बैंक 360 से 14 रुपए का शेयर आ गया, इतना मोटा फ्रॉड हुआ था, इतना पैसा बकाया है यस बैंक का। लेकिन यस बैंक को भी मरने नहीं दिया, आरबीआई ने एक बात बोल दी, मरने तो देंगे नहीं, ऐसा होगा नहीं कि किसी भी आप इन्वेस्टर का, किसी भी अकाउंट होल्डर का भी एक रुपया भी कम दे दो, पूरा ही पैसा देना पड़ेगा, दोबारा से कमाना शुरू करो। आरबीआई ने कहा पैसों की जरूरत है, उसने कहा हम काम करने के लिए पैसों की जरूरत है, 50,000 करोड़ दिए उसको, काम शुरू करो, बंद नहीं हो सकते आप, पैसा सबका देना पड़ेगा, बैंक नहीं भाग सकता सर, भूल जाओ ये मुकालता, दूर कर लो, ठीक है जी। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, अब तो मेरा गल कहानियां भी बहुत होगी, दिमाग में रहेगा आपके। चलो जी बात करते हैं क्लियरिंग हाउस की। बेटा क्लियरिंग हाउस आरबीआई क्या चेक क्लियरिंग कराता है? बेटा बिल्कुल, देखो मैंने आपको ये बात समझाई थी जब मैं चेक फैसिलिटी की बात कर रहा था। अगर मैं एक अलग बैंक में अकाउंट रखता हूं और मैं जिसको चेक दे रहा हूं वो एक अलग बैंक में अकाउंट रखता है तो चेक क्लियरिंग के लिए जाता है, ये वर्ड बोले थे मैंने। मेरा बैंक अकाउंट है पंजाब नेशनल बैंक में, माधव का अकाउंट है HDFC बैंक में, मैंने इसको चेक काट के दे दिया PNB का, ये HDFC ब्रांच में जाएगा बेटा, जिस भी ब्रांच में इसका अकाउंट है बेटा, चेक हाथों हाथ तो क्लियर नहीं हो सकता ये, क्योंकि ये इंटर बैंक ट्रांजैक्शन है, दोनों बैंक चेंज है। अगर PNB इसका अकाउंट होता ना तो PNB वाले एक मिनट में सर्वर खोलते बेटा, मेरे अकाउंट में बैलेंस जांचते कितना है, मेरे अकाउंट से माइनस करते पैसे, माधव के अकाउंट में प्लस कर देते। लेकिन बेटा क्योंकि HDFC बैंक में इसका अकाउंट है, मेरा अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है, HDFC वालों को अलाउड नहीं है कि PNB का सर्वर चला ले, तो ऐसे में चेक क्लियर होता है बेटा। और आज की तारीख में क्लियरिंग का प्रोसेस क्या होता है बेटा, आप चेक को स्कैन करते हो, HDFC बैंक में चेक गया, उन्होंने चेक स्कैन करा, RBI का सर्वर बना हुआ है क्लियरिंग का, उस पर डाला कि एक चेक आया है पंजाब नेशनल बैंक माधवनगर ब्रांच का है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे चेक की डिटेल है, ये 20,000 रुपये इस अकाउंट में है कि नहीं हमें बता दो। हर बैंक उसी सर्वर पे ऑपरेट करता है बेटा, एक बैंक ने मैसेज डाला दूसरे बैंक को रिप्लाई उसी सर्वर पे करना है, उसी सर्वर पे रिप्लाई आएगा कि हाँ जी पैसे हैं, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वो पैसे माइनस करेंगे, ये प्लस कर देंगे, यानी कि पूरी की पूरी क्लियरिंग जितनी भी इंटर बैंक क्लियरिंग होती है सब एक ही बंदा करता है, वो RBI, इसी के सर्वर से हो सकती है और कहीं नहीं हो सकती। बात क्लियर हुई? कैसे गवर्नमेंट बैंक है तीन काम करता है, कैसे बैंकर बैंक है तीन काम करता है, बैंकर बैंक सॉरी पहले गवर्नमेंट्स बैंक तीन काम करता है बेटा, क्या एज अ बैंकर काम करता है, एज अ एजेंट काम करता है, एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर काम करता है। बैंकर्स बैंक बेटा लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का फंक्शन, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व की बात कर लो और बात कर लो क्लियरिंग हाउस की। एक और बात करेंगे फिर लिखना शुरू करना। हिमांशु रुक जा भाई, बहुत जल्दी है तुझे, मुझे तेरे से ज़्यादा जल्दी है। चलो जी तो मत यार पेन भी क्यों चला रहा है,
चलो जी बेटा, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, मैं पूरा नहीं लिख रहा फॉरेन एक्सचेंज को, मैं प्यार से फॉरेक्स लिख रहा हूं। बेटा आपको सिर्फ नाम पता होना चाहिए, ये फंक्शन आपके कोर्स में नहीं है आरबीआई का, लेकिन नाम पता होना चाहिए बेटा। और ये बात मैंने पहले करी है जब मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम पढ़ाया था या फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम पढ़ाया था, तब भी मैंने ये बात करी थी। बेटा जरूर कॉमर्शियल बैंक के पास थोड़ी थोड़ी फॉरेन एक्सचेंज आरबीआई ने दी होती है कि आप बेचो और आप खरीदो, पब्लिक डीलिंग आप ही करोगे कॉमर्शियल बैंक, लेकिन बेटा हद से ज़्यादा रिजर्व रखने किसी को अलाउड नहीं होते। एक दिन मैंने एक बात बोली थी कि आप अपने घर पे $50,000 रख सकते हो, जेल हो जाएगी बेटा। एक एक्ट है फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, फॉरेन एक्सचेंज एक सर्टेन क्वांटिटी से ज़्यादा कोई नहीं रख सकता अपने घर पर, पहली बात, ना ही कोई कॉमर्शियल बैंक रख सकता हद से ज़्यादा। मान लो आपके पास $100,000 हैं, ठीक है ना, आप खरीद कर गए थे $500,000 एक फॉरेन ट्रिप पर, $400,000 आप खर्च कराए, $100,000 बचा कर ले आए, आपने क्या करा, वो $100,000 आकर कॉमर्शियल बैंक को बेच दिए, ठीक है ना। आप पब्लिक डीलिंग ही कर सकते, कॉमर्शियल बैंक पब्लिक डीलिंग ही करता है बेटा, आप आरबीआई को नहीं बेच सकते। आपने जाकर कॉमर्शियल बैंक को बेच दिए बेटा, क्या कॉमर्शियल बैंक $100,000 बिना आरबीआई के परमिशन के रख सकता है, रख नहीं सकता। मान लो आरबीआई ने परमिशन दी कि $10,000 रख सकते हो, इससे ज़्यादा क्या करोगे, तो $90,000 कहाँ जाएंगे, आरबीआई के पास चले जाएंगे। आरबीआई इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जितना भी इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है एक एक रुपए की इंफॉर्मेशन आरबीआई के पास है। समझ आई बात, इतनी बात क्लियर। एक लास्ट फंक्शन बचा है बेटा, फिर छुट्टी, पहले आप इसको नोट डाउन कर। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।